हेलो एवरीवन, ग्रेड थ्री कंप्यूटर चैप्टर टू कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। लास्ट टाइम वी सो व्हाट इज सॉफ्टवेयर, राइट? लेट्स डू द रिवीजन ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स, इट कैन नॉट बी टच्ड, इट ओनली इंस्ट्रक्ट्स द हार्डवेयर हाउ टू डू पर्टिकुलर टास्क। सॉफ्टवेयर क्या है? कुछ प्रोग्राम्स के सेट है, इंस्ट्रक्शंस के सेट है। इट कैन नॉट बी टच एंड इट ओनली इंस्ट्रक्ट द हार्डवेयर हाउ टू डू पर्टिकुलर टास्क। यानी सॉफ्टवेयर को टच नहीं किया जा सकता और हार्डवेयर को कौन से टास्क करना है उसके बारे में सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शंस देते हैं। नाउ देयर वर टू टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। वी सॉ सम एग्जांपल्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। Application software is a software that helps you to do some specific work. यानी कुछ specific work करने के लिए जो softwares use करते हैं उसे application software कहते हैं। हम जो phone में apps बोलते हैं, right? Phone में apps आते हैं, उसका full form application है, application software. So here we are talking about the apps, that is applications of computer, applications that are present in computer. Examples are like MS Paint, it is an application software and it is used to do painting and drawings. Another example is Notepad. Notepad is an application software. So Notepad is only used to type text and numbers. Now let's move further. Types of application software. Here some of the examples of application softwares are given with pictures. First one, MS Word. This is the screen of MS Word. This is MS Word window, starting screen. It looks like Notepad only. MS Word is used to create documents. MS Word is used to create documents. Documents का मतलब है files, right? जैसे आप Notepad है वो text, numbers ये सब type करने के लिए use करते हैं, वैसे ही typed या तो drawn, right? ऐसे सारे इमेजेस हो, इंसर्ट करना हो या तो कुछ डेटा आपको टाइप करना हो, उसके रिलेटेड एक फाइल बनानी हो, राइट? यू कैन यूज एमएस वर्ड। सेकेंड वन इज एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल इज यूज टू कैलकुलेट डेटा, जैसे प्रिंटिंग बिल्स, वी कैन डू दैट इन कंप्यूटर, राइट? सो बिल्स जो है उसे प्रिंट करना है, उसके लिए पहले बिल बनानी पड़ती है एंड दैट शुड बी इन टेबल फॉर्मेट। फिर स्कूल टाइम टेबल है, वो भी टेबल फॉर्मेट में होती है। सो मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट वी यूज टू, इट इज़ यूज टू कैलकुलेट, मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ यूज टू कैलकुलेट डेटा एंड टू डू समथिंग इन टेबल फॉर्मेट। थर्ड एग्जांपल इज एमएस पेंट। यस, एवरीवन इज अवेयर विथ एमएस पेंट, राइट? पेंट क्यों यूज करते हैं? ड्रॉइंग बनाने के लिए। एमएस पेंट इज यूज टू ड्रॉ पिक्चर्स। फोर्थ वन, एमएस पावर पॉइंट इज यूज टू मेक प्रेजेंटेशंस। अभी ये प्रेजेंटेशंस क्या है? प्रोजेक्ट है या तो कुछ डेटा है जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती हो, उसे प्रेजेंटेशन कहते हैं, राइट? सो आपको किसी कोई एक टॉपिक दी जाए और उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दूसरों को प्रोवाइड करनी हो विथ यूजिंग इमेजेस, टेक्स्ट, वीडियोस, ये सब आप एक फाइल में डाल के दे सकते हो और वो फाइल बनाने के लिए एमएस पावर पॉइंट का यूज़ किया जाता है। सो हियर वी सॉ फोर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स, एमएस पावर पॉइंट, एमएस पेंट, एमएस एक्सेल एंड एमएस वर्ड। बाय एवरीवन एंड हैव अ नाइस डे।